अहमदाबाद ब्लास्ट केस में सजा का ऐलान, 38 दोषियों को सुनाई गई फांसी की सजा। 2008 में हुए सीलर ब्लास्ट में 56 लोगों की गई थी जान। शिवपाल के साथ अखिलेश की तस्वीर पर सियासी घमासान, बीजेपी ने कसा तंज, कहा 10 मार्च को अपनी सीटें ढूंढना हो जाएगा मुश्किल। मुश्किल में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई, ईडी को मिली इकबाल कासकार की कस्टडी, कासकार को पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी ईडी। चन्नी के बयान पर गरमाई सियासत, चन्नी के खिलाफ पटना के थाने में एफआईआर दर्ज, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की गिरफ्तारी की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इकबाल कासकार को ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। ईडी इकबाल कासकार को ठाणे जेल से लेकर रवाना हो गई है। आज कासकार को ईडी मुंबई के विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी। स्थानीय अदालत ने ईडी की तरफ से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में इकबाल कासकार के खिलाफ बुधवार को पेशी वारंट जारी किया था। पेशी वारंट जारी करते हुए विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने कहा था कि आरोपी को शहर से यहां लाने और 18 फरवरी यानी कि आज अदालत के सामने पेश करने की पूरी व्यवस्था ईडी की तरफ से की गई है। अदालत ने कहा है कि जांच एजेंसी रंगदारी के मामलों में उसे फिर से वापस भी भेजेगी। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस बीच गुरुवार को समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, पीएसपीएल प्रमुख शिवपाल सिंह यादव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव इटावा विजय यात्रा करने पहुंचे थे। इस दौरान बेटे अखिलेश यादव को चुनाव जिताने के लिए मुलायम सिंह पहली बार इटावा में रोड शो में शामिल हुए थे। वहीं दूसरी तरफ तीनों के साथ आने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सपा पर तंज कस दिया। उन्होंने शिवपाल सिंह यादव को विजय यात्रा के दौरान सीट नहीं मिलने पर तंजात्मक तरीके से ट्वीट करते हुए कहा, चाचा को ना चुनाव लड़ने के लिए सीट मिली ना रथ में बैठने के लिए, वैसे भतीजे को भी 10 मार्च को अपनी सीटें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से रोड शो के दौरान बिहार और यूपी के लोगों के संबंध में दिए गए विवादित बयान पर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। इस मुद्दे को बिहार एनडीए के नेता लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीष कुमार सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के खिलाफ राजधानी के कदमकुआं थाने में लिखित आवेदन दिया है और मामला दर्ज करने का अनुरोध किया। मनीष कुमार ने मांग की है कि मुख्यमंत्री चन्नी पर कानूनी कार्रवाई की जाए और पुलिस उनको गिरफ्तार करे। मनीष ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से क्षेत्रवाद फैलाकर देश को तोड़ने का काम करती रही है। हमारे देश में कानून है कि कोई भी देश का नागरिक कहीं भी जाकर काम कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, लेकिन चन्नी ने इस बात को झुठलाने का काम किया है। आज पंजाब जिस जगह पर है उसमें कहीं ना कहीं बिहारी भाइयों का योगदान है। साल 2008 में गुजरात के अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाकों के मामलों में दोषियों को सजा सुना दी गई है। विशेष न्यायाधीश एआर पटेल की अदालत ने 49 अभियुक्तों में से 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई, वहीं बाकी 11 दोषियों को उम्र कैद यानी कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाके में 70 मिनट के अंदर 56 लोगों की जान चली गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अदालत में 13 साल से भी ज्यादा समय तक मामला चलने के बाद 49 लोगों को दोषी ठहराया गया और 28 अन्य को बरी कर दिया गया था। सोमवार को अभियोजन पक्ष ने दलीलें खत्म की थी और अभियुक्तों को अधिकतम सजा देने का अनुरोध किया था। अदालत ने 77 अभियुक्तों के खिलाफ पिछले साल सितंबर में मुकदमे की कार्रवाई खत्म की थी। विचाराधीन 78 आरोपियों में से एक सरकारी गवाह बन गया था। वहीं कन्नौज तीरवा कोतवाली क्षेत्र में बीजेपी समर्थकों ने चुनाव प्रचार के दौरान सपा के समर्थकों की तरफ से पत्थरबाजी कर हमला करने का आरोप लगाया और मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने 2 नामजद सहित कई अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है।
वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखीमपुर में जनता को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने बीजेपी की तरफ से किए गए कामों का बखान किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सपा पर जमकर हमला बोलते हुए सपा को गुंडों वाली पार्टी बता दिया और कहा कि अखिलेश यादव ने हमेशा गुंडों को ही पनाह दी है। अखिलेश यादव ने धारा 370 का विरोध करते हुए कहा था कि धारा 370 हटेगी तो खून की नदियां बह जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, सब शांति से निपट गया। लखीमपुर में मैं आया हूं, ये बहुत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण नगरी है। इसको छोटी काशी भी कहते हैं। यहां पर मशहूर गोला गोकर्णनाथ का मंदिर है, उसको मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करूं। महाभारत के समय का लिलोटी नाथ मंदिर है, उसको भी मैं प्रणाम करता हूं। भगवत गीता में जिसका वर्णन है वो देवकली शिव मंदिर को भी प्रणाम करता हूं। यहां पर कौंडियाल घाट साहिब गुरुद्वारा भी है, उसको भी प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले आप सभी को मैं प्रणाम कर मेरी बात की। मित्रों, में पहले और दूसरे चरण में लगभग दो चरण में 42 से ज्यादा विधानसभाओं में घुमा हूं। पहले दूसरे चरण का परिणाम जानना है क्या आपको? जानना है? जोर से बोलो, जानना है। पहले और दूसरे चरण में साइकिल और हाथी का सफाया होने वाला है। दोनों चरण में वहीं अंबिकापुर के सरगुजा संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पास नवजात का शव मिलने से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं इसकी सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आपातकालीन के शौचालय में भी नवजात का शव मिला था, जिसकी अब तक जांच पूरी नहीं हो पाई है। अभी अग्रसेन भवन के साइड में जो एक जगह है जहाँ पे गंदगी डंप करते हैं सभी लोग, उस जगह पे एक नवजात शिशु की आज बॉडी मिली है। तो उसे अभी हम लोग पीएम कराने के लिए मॉर्चरी में रखे हुए हैं और हम लोग अभी हॉस्पिटल में जा करके या अन्य जगहों पे पता कर रहे हैं कि ये किसकी बच्चा हो सकता है और कौन इस प्रकार से कृत्य किया है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर आदिवासी समाज के कार्यक्रम में जिले में बीजेपी के पूर्व राज्य सभासद आदिवासी नेता नंद कुमार राय पहुंचे, जहां उन्होंने शराबबंदी मामले में बयान दिया कि हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रदेश में शराबबंदी को लेकर बयान दिया था कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्र में आदिवासी शराबबंदी नहीं चाहते। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के इसी बयान को गलत बताते हुए बीजेपी नेता राय ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोग नहीं चाहते शराबबंदी हो, जबकि घोषणा पत्र में शराबबंदी की बातें लिखी गई थी। राजनीतिक बात है, लेकिन मैं समझता हूँ आप वचन पत्र में तुम वचनबद्ध हो कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम शराबबंदी करेंगे। आप कहते हो कहाँ संभव नहीं है बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आदिवासी इलाके में 60% आदि क्या करना चाहते हैं लोग। ये प्रारंभ से ही कांग्रेस की नीति रही है कि आदिवासी समाज के लोग दारू पीते रहें और पड़े रहें, उनकी कोई प्रगति ना हो, यही सबसे बड़ा मामला है। और ये कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे ही करती रही है। ये पूरी तरह से मोहन मरकाम जी गलत बोल रहे हैं। सबसे पहले अगर प्रतिबंधित किया जाना चाहिए तो जनजाति समाज भी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कई मांगों को लेकर त्रिदेव राय के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने नरियारा घोघरी मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया, जिसमें प्रमुख मांगे नरियारा सचिव को हटाने, राखड़ के अवैध कारोबार से संबंधित व्यक्तियों पर दंडात्मक कार्रवाई, नरिया
मिरौनी और रनपोटा मिरौनी वाली रोड की मरम्मत करने, साथ ही किसानों के मुआवजा और विद्यार्थियों की परीक्षा समय को बढ़ाने जाने समेत कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और उच्च अधिकारी के आश्वासन पर चक्का जाम कर दिया है। वहीं मांगों पर कार्रवाई न होने पर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन की चेतावनी भी दे दी। वहीं प्रतापगढ़ की रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में क्या है मतदाताओं की राय, इस बार कौन होगा रानीगंज विधानसभा से विधायक, इसे जानने के लिए रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात की। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार शर्मा ने इस दौरान क्या रही लोगों की राय, देखिए इस रिपोर्ट में। आज हम प्रतापगढ़ जिले की रानीगंज विधानसभा के रानीगंज बाजार में है और हमारे साथ हैं रानीगंज के, क्या नाम है भैया आपका? हाँ भैया, मेरा नाम है राजकुमार गुप्ता। राजकुमार गुप्ता जी, ये बताइए कि यहाँ से सपा भाजपा बसपा के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और क्या स्थिति है मतदाताओं की, क्या रुझान है, मतदाता किसे अपना विधायक चुनना चाहता है? रानीगंज बाजार में तो भाई स्थिति साफ जाहिर है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक चुना जाएगा और लड़ाई में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है और धीरज ओझा जी फिर से चुनाव जीतेंगे। ऐसा क्या है धीरज ओझा ने क्या किया जो आप लोग पुनः उनको विधायक बनाना चाहते हैं? धीरज ओझा ने आज तक जब से विधायक हुए हैं तब से रानीगंज में गुंडागर्दी नहीं हुई है और दूसरी बात यह है विकास जो हुआ है बहुत तेज़ी के साथ हुआ है, समझ गए, और ये योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री की देन है और ये योगी जी कलयुग के हनुमान है और जो विकास हुआ है वो सामने आ रहा है और दिख रहा है लोगों को। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है राजकुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। जिले की रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के राजापुर खरहन गांव में मतदाताओं के बारे में ये जानना चाहेंगे कि कौन होगा रानीगंज का विधायक। भैया आपका क्या नाम है? श्रीकांत तिवारी, राजापुर ग्राम सभा तुलसीपुर गांव के श्रीकांत तिवारी हमारा नाम है। तो भैया जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस बार यहाँ सपा बसपा भाजपा सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, तो इस बार आप लोग यहाँ का विधायक किसे चुन रहे हैं? धीरज ओझा। धीरज ओझा, धीरज ओझा को क्यों चुन रहे हैं? यहाँ धीरज ओझा की बात नहीं है, यहाँ नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री, यहाँ हर वर्ग के लोग चाहे जो भी कास्ट के रहे हों सारे लोगों को लाभ मिला हुआ है, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं और जो भी आप कहिए उसको हम बता भी दें, जिसको नाम बताइए कहिए उसको कह दें। किस प्रकार का विकास हुआ, किस प्रकार का विकास हुआ या हर विकास हुआ है किस प्रकार का? यही अभी अभी सड़क बनी, यही बनी और ये नल यही लगा हुआ है, सारा विकास तो यही किए हैं। तो ये विकास जो है भारतीय जनता पार्टी के रानीगंज विधायक धीरज ओझा जी के सौजन्य से हुआ? हाँ, धीरज ओझा, ये नल लगा जो है ये विधायक जी का लिखा हुआ है, देखिए। वहीं गोंडा में बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर हमला करते हुए उन्हें मौनी बाबा कह दिया और आगे कहा कि मनमोहन सिंह किसी और के डायरेक्शन में काम करते हैं, वो एक चेहरा है, आवाज किसी और की है, मनमोहन और कांग्रेस को राष्ट्रवाद के मायने नहीं पता। देखिए मौनी बाबा जी अपने मन की बात थोड़ी कहते हैं, तो किसी और के मन की बात करते हैं, वो तो किसी और के डायरेक्शन में बात करते हैं, तो वो तो एक चेहरा है, आवाज तो किसी और की है और जिनकी आवाज है वो क्या राष्ट्रवाद के बारे में हम लोगों को बताएंगे? देखिए असली राष्ट्रवाद और नकली राष्ट्रवाद क्या होता है भाई, है ना? उनको भी इतना बड़ा मौका मिला, 50 साल इस देश की जनता ने मौका दिया, अब उनसे पूछ ले राष्ट्रवाद होता क्या है कि गरीब गरीब रह जाए, बिजली ना मिले, मुख्य सुविधाएं ना मिले, यही राष्ट्रवाद है उनका मतलब? एक देहात में एक कहावत है, पलिहर के बांदर, तो कौन सुने हुए का है नहीं?
तो उसको समझ लीजिए कौन है बांदर, बाकी सारी पार्टियां कौन है बांदर, क्योंकि किसी का कुछ बचा नहीं है, वो लोग अपना अपना बस ढूंढ रहे हैं अस्तित्व राजनीतिक स्तर। सबको जनता ने मौका दिया, 50-50 साल 15-15 साल किसी ने कुछ नहीं किया, अब पहली बार जनता को एक जिम्मेदार सरकार मिली है जो जनता के छोटे छोटे दुख दर्द से लेकर बड़ी बड़ी समस्याओं पर काम करके दिखा दिया है, रिजल्ट दे दिया है। चलिए सीधे अब आपको यूपी की हॉट सीट करहल लिए चलते हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। समाजवादी कुनबे को विकास पसंद नहीं, उनके लिए सबका साथ और सिफई खानदान का मात्र विकास, यही एकमात्र उनका नारा है, बाकी उनका कोई नारा नहीं। आपने देखा होगा उनकी संवेदना कभी गरीबों के प्रति नहीं थी, गांव के विकास के प्रति नहीं थी, नौजवान के रोजगार के लिए नहीं थी, अन्नदाता किसान की खुशहाली के लिए भी नहीं थी। उनकी संवेदना तो आतंकवादियों के प्रति थी। याद करिए, समाजवादी पार्टी में जो आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, आपके इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। याद करिए 2012 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने पहला फैसला क्या लिया था? पहला फैसला था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। उनका पहला फैसला था काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का, कचहरियों पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का था। लेकिन भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर, जब उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी उस समय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी बने, हमने पहला निर्णय लिया था उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी का। याद करिए, आपके मेनपुरी के भी हजारों किसानों का कर्ज माफ हुआ था। याद करिए, मेनपुरी के हजारों किसानों का कर्ज माफ हुआ था। और आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी यहां के लाखों किसान प्राप्त कर रहे हैं। हमारी संवेदना किसानों के प्रति थी, हमारी संवेदना बेटियों की सुरक्षा के लिए थी, हर बेटी सुरक्षित रहेगी इसके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हमारी सरकार ने उस समय किया था। और भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस पूरे क्षेत्र को डार्क जोन घोषित कर दिया था। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार आई डार्क जोन से मुक्त करते हुए, हम लोगों ने किसानों के खेत में पानी पहुंचाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और अभी तो हम लोग भाइयों बहनों पंचनद परियोजना को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। पंचनद की परियोजना आगे बढ़ेगी, मेनपुरी के हर घर में शुद्ध पेयजल, घर 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 नल की योजना पहुंचाने का काम भी हम लोग करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, विकास की अपनी एक सोच होती है, विकास की अपनी एक सोच होती है। आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश विकास की एक नई बुलंदियों को छू रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारी सुरक्षित हैं, हमारे नौजवान के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, बहन बेटियों की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, बात बात को लेके कोई दंगा फसाद नहीं कर सकता। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कर्फ्यू नहीं लगता, आज तो भाइयों बहनों व्यापारियों पर कोई बमबाजी भी नहीं कर सकता। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कर्फ्यू का स्थान कावड़ यात्रा ने ले लिया है और बमबाजी का स्थान
आज जब कांवड़ यात्री हर हर बम बम का नारा लगाते हुए चलता है तो उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन गया है। भाइयों बहनों, पहले मुख्यमंत्री बनते थे, मंत्री बनते थे, अपना स्वयं का बंगला बनाते थे। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, मैं पूछना चाहता हूं कि चार बार प्रदेश के अंदर उन्हें सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ, इन चार बारों में उनकी उपलब्धि क्या है? उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, लेकिन राम भक्तों पर गोलियां जरूर चलाई थी। अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां जरूर चलाई थी। चार बार उन्हें प्रदेश में सत्ता चलाने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन गरीबों के मकान नहीं बन पाए थे। भाइयों बहनों, तो करहल में एसपी सिंह बघेल के समर्थन में योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे, जहां पर वो सपा पर पूरी तरह से हमलावर थे। चलिए आगे बढ़ते रुक करेंगे कुछ और खबरों का। बरेली में एक महिला ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं मृतका की बेटी की माने तो उसकी माँ की सोशल मीडिया के जरिए 2 साल पहले देहरादून की अनीता शर्मा नाम की महिला के साथ दोस्ती हुई थी, जिसके बाद दोनों का घर परिवार में आना जाना होने लगा। अनीता अक्सर बरेली आकर उनके घर परिवार में पैसा खर्च करती थी और एक दिन उसकी माँ से अपने पति को तलाक देने के लिए कह दिया। उसके कहने पर उसने अपने पति से तलाक लेने के लिए मन भी बना लिया और अर्जी दाखिल कर दी। वहीं इसके बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर मोबाइल पर ही विवाद हो गया और अनीता ने मौत को गले लगा लिया। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की छानबीन कर रही है। यहाँ काम करती हूँ जहाँ पर रामपुर गार्डन में। कल मैंने बात करी, मेरी बेटी लली मेरे कपड़ा सिल दिए, मैं ब्लाउज लेकर आऊँगी, तो कह रही मैं होली पर जाऊँगी अपने भैया घर में, मेरे भाई के घर पर, और मैं मम्मी अभी आ जाइए, तो मैं आज आन को ही। तो बाकी सुन बताए लड़ाई भाई, अनीता ने बहुत जीन से मजबूर करो घर। अनीता है देहरादून से आगे, क्या करती है? नाम बताओ लड़की। अच्छा, वो प्रॉपर्टी डीलर है। तो वर्ष पर टी टॉप चलाती है हमारी लड़की, कपड़ा सिलती मशीन में कपड़ा सिलती, तो बा टी टॉप पे मिली तो बा ऐसी चिपक कर रह गई मेरी लड़की के बाल, बाल लंबे लंबे बालन में फिदा हो गई और उसकी टी टॉप पे कतई चिपक गई। तो यहाँ आए जाए लग रही, हमने कही तो बस लड़की से अपनी जाको संग छोड़ दे, तो कह रही बेटी मेरी आ कि जब मेरी मम्मी तुमसे ज़्यादा मुझे प्यार करती है, बहुत समझती है, अब बा अंदर अंदर जा बा को खोखला कर दो बाना। एक लेडीज मिली थी टिकटॉक पर और 2 साल हो गए, उसके बाद में उसने खर्चा बहुत किया घर में, जब पापा वैसे थे उन्हें पैसे कर ही नहीं पा रहे थे, उनका काम नहीं हो रहा था, उसके बाद में वो खर्चा करती गई और अपना एहसान जताती गई। फिर उनने तलाक के लिए मम्मी को बहुत भड़काया, तो अप्रैल में मम्मी का तलाक पूरा होने वाला था, तो फिर 1-2 महीना हो गया था, वो मम्मी को बहुत पसंद करती थी, फोन पे लड़ती थी, ऐसे करती थी। वहीं मेरठ में गर्भवती महिला ने केरोसिन का तेल डालकर जलाने का आरोप लगाया है। महिला थाना ब्रह्मपुत्री क्षेत्र की रहने वाली है। वहीं उसका आरोप है कि उसकी सास उसके साथ आए दिन मारपिटाई करती है। 3 दिन पहले भी उसके साथ मारपीट की गई थी, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसकी शिकायत पहले भी पुलिस से की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई थी। उसके बाद देर रात उसकी सास ने उसके ऊपर केरोसिन तेल डाल दिया और उसे जलाने की कोशिश की, जिस पर उसके पति ने अपनी मां का विरोध किया तो उसके साथ भी सास ने मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद पीड़ित महिला भागते हुए ब्रह्मपुरी थाने पहुंची और पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की है। पुलिस ने पीड़ित ज्योति की तहरीर पर मामले की छानबीन शुरू कर दी। पीड़ित को कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।